नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो इस वीडियो हम लोग जानेंगे किस प्रकार से और कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों गूगल पर चले जाना है, वहाँ आपको लिखना है CGBSE लिख के। दोस्तों आपको सर्च कर दे CGBSE लिख के या CGBSE.NIC लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे तो सर्च करेंगे CGBSE.NIC.IN, तो यहाँ पर दोस्तों पेज जो है इस प्रकार से ओपन हो रहा है। तो हमें दोस्तों नीचे की ओर आना है, यहाँ पर विद्यार्थी कॉर्नर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम प्रवेश पत्र पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों प्रवेश पत्र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी। तो दोस्तों क्या हमें हाई स्कूल का डाउनलोड कर है, मतलब हाई सेकेंडरी 12वीं का, तो हाई सेकेंडरी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जिसको अपने नाम या अपने रोल नंबर ज्ञात हो तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों हमें मुख्य परीक्षा 2021 पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोग क्लिक करेंगे मुख्य परीक्षा 2021 इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों 12वीं मेन एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2021, 12वीं वो वोकेशनल मेन एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें नीचे के आना है, यहाँ पर 12वीं रेगुलर प्राइवेट एडमिट कार्ड मेन 2021 रोल नंबर। अगर आपको रोल नंबर पता हो दोस्तों, रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इस प्रकार से हर बार परिवर्तन होकर नंबर लिख के आएगा। उसको दोस्तों अगर धन रहेगा से जोड़ के दोस्तों यहाँ पर लिखना है, अगर माइनस रहेगा दोस्तों ऋण चिन्ह रहेगा उससे दोनों को घटा कर जितना भी आएगा उसको यहाँ पर लिख के गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। फिर आता है दोस्तों नाम के अनुसार। तो आपको दोस्तों आपको नाम, जैसे कि आपका नाम जो है आपके 12वीं में किस प्रकार से है और आप लोग आपका पिताजी का नाम किस प्रकार से है उसको लिखना है दोस्तों। फिर यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको लिख के यहाँ पर गेट डिटेल पर सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कोई भी एक को दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है लिख के सर्च करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको अपना रोल नंबर ज्ञात हो तो रोल नंबर के अनुसार दोस्तों यहाँ से आप जो है ये जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ना आपको अपने नाम को सही तरीका से दोस्तों लिख लेना है, फिर आपको सर्च करके एडमिट कार्ड रखो दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको रोल नंबर फिल करके बताता हूँ कि किस प्रकार से और कैसे डाउनलोड करना है। तो इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर को फिल कर देना है और इस पर दोस्तों आपको गेट डिटेल पर क्लिक जैसे ही करेंगे दोस्तों एडमिट कार्ड के लिए पेज खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं इनमें अपना गेट डिटेल पर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से जो है नया पेज खुल के आ रहा है। तो हम फिर से नीचे की ओर आना है दोस्तों। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है रोल नंबर, नाम और अपने पिताजी का नाम लिख के आ रहा है। उसके पास साइड में आ रहा है प्रिंट, प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा पेज यानी हमारा एडमिट कार्ड फुल पेज में खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कोने में जैसे ही देख पाएंगे यहाँ पर प्रिंट करके दिखा रहा है, इसी पर हमें क्लिक करना है अपना एडमिट कार्ड को सेव करने के लिए PDF के रूप में। इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे तो पेज इस प्रकार से नया खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा रहा है सेव एस PDF। अगर इस प्रकार से नहीं लिखा आता इस प्रकार दोस्तों जो तीर का निशान आ रहा है यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करके सेव एस PDF को करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर दोस्तों PDF के लिए आ रहा है, इस पर क्लिक करके PDF को जो है सेव करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सेव PDF पर दोस्तों हमारा मोबाइल का फोल्डर खुल के आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 डॉट पर क्लिक करके आपको डाउनलोड वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने 10वीं 12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे बिना कोई मिस्टेक किए हुए।